तो दोस्तों यहाँ पे जैक रीचर सीजन 2 जो है अब खत्म हो चुका है। लास्ट एपिसोड जो है आज ही रिलीज हुआ था। सीजन 2 में आप लोगों को टोटल 8 एपिसोड देखने के लिए मिलते हैं जो कि हर हफ्ते जो है शुक्रवार को रिलीज किए जा रहे थे। फर्स्टली जब मैंने इस सीरीज का सीजन 1 देखा था तो भाई फर्स्टली मेरा इंप्रेशन जब मैंने इसके मेन कैरेक्टर यानी कि मेन लीड रोल को देखा था रीचर को, भाई आई वॉज लाइक कि भाई वाह, मतलब ऐसा लगा कि भाई मैंने कोई रोबोट देख लिया या AI जनरेटेड बंदा देख लिया कि भाई ये क्या है मतलब। और फटाफट मैंने जाके चेक किया कि भाई कोई मैं एनिमे तो नहीं ना देख रहा हूँ, उसके बाद कन्फर्म हो गया नहीं कि भाई नहीं भाई सीरीज ही है। तो इसका जैक रीचर का सीजन 1 भी काफी ज्यादा सही है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इन दोनों सीजन 1 सीजन 2 की स्टोरी बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है आपस में, पर सीजन 1 भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। जब मैंने सीजन 1 देख के खत्म कर दिया था और जब मैंने सीजन 2 भी अभी देख लिया है पूरा, तो दोनों में भाई एक बात मैंने काफी ज्यादा मिस की, वो थे इसके कैरेक्टर यानी कि जो कि सीजन 1 में दिखाए गए थे वो सीजन 2 में आपको नहीं देखने के लिए मिलते। सिर्फ एक फेनरी नाम के बंदे को छोड़ के आपको सीजन 1 का कोई भी कैरेक्टर सीजन 2 में देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि भाई एक अच्छी बात भी और बुरी बात भी है। अच्छी इसलिए भाई क्योंकि आपको नए कैरेक्टर भी दिखाए जाते हैं उसके बदले में, और बुरी इसलिए कि भाई आप जब आप सीजन 1 देख चुके हो तो थोड़ा सा भाई आप लोगों का उन फर्स्ट सीजन के कैरेक्टर्स भी थोड़ा अटैचमेंट रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बुरा भी लगता है। इतनी सारी बात तो होगी पर भाई मैंने अभी तक आप लोगों को इसकी स्टोरी नहीं बताई आखिरकार सीजन 2 में होने क्या वाला है। फर्स्टली दोस्तों सीजन 1 में तो एक केस सॉल्व करना रहता था, पर यहाँ पे सीजन 2 में बात है कि भाई जो भी जैक रीचर है उसकी एक बटालियन रहती है, यानी कि जब वो आर्मी में रहा करता था तो उसकी एक 8-9-10 बंदे के ग्रुप का एक बटालियन थी भाई जो कि एक केसेस को सॉल्व करती थी। पर अब मुसीबत ये हो गई है कि भाई यानी कि जैक रीचर के दोस्त यानी कि उसके बटालियन को 1x1 करके कोई मार रहा है। अब वो कौन क्यों मार रहा है जैक रीचर के फ्रेंड्स को भाई ये तो जैक रीचर पता लगाता है केसेस को, यानी कि उस केस को सॉल्व करता है। और यहाँ पे जैक रीचर जो है उस मर्डरर को पकड़ पाता है कि नहीं जो भी उन्हें मार रहा है, आपको सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। भाई सीरीज काफी ज्यादा सही है और जो भी नई कास्ट आप लोगों को सीजन 2 में इंट्रोड्यूस करवाई गई है भाई वो भी काफी ज्यादा सही है, उनकी एक्टिंग भी काफी ज्यादा डिसेंट सी है। और सीजन 2 की जो एंडिंग रहती है वो काफी ज्यादा हैप्पी की गई है मैं इतना बता देता हूँ। पर जैसे जैसे सीजन 2 की स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे स्टोरी जो इंटरेस्टिंग होती जाती है, तो आप तो वैसे वैसे आपको सीजन 2 भी काफी ज्यादा पसंद आने लगता है। और भाई जैक रीचर की जो है फिल्में भी आ चुकी हैं जिसमें भाई टॉम क्रूज ने काम किया है। फिल्मों से ज्यादा अच्छा मुझे ये सीरीज लगी, दोनों के दोनों सीजन फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों सीजन जो है काफी ज्यादा लाजवाब है। इसमें आपको मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर और साथ में एक्शन भी देखने के लिए मिलता है और सारी की सारी चीजों का बैलेंस जो है एकदम सही है। बट इन दोनों सीजन को कोई भी फैमिली के साथ नहीं देख सकता है, कुछ आपको न्यूड सीन भी देखने के लिए मिल जाते हैं और किसी वगैरह भी होती रहती हैं, तो फैमिली के साथ तो देखने वाला शो नहीं है। पर भाई अकेले में आप पक्का एंजॉय करोगे शो को। और भाई मैं सिर्फ सीजन 2 देखने के बाद एक ही बात सोच रहा था कि शायद इसका सीजन 3 भी होता, पर दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, सीजन 3 भी इसका बहुत जल्द आएगा यानी कि 2024 में ही आ जाएगा। आप समर के टाइम में पक्का आपको शायद इसका ट्रेलर वगैरह देखने के लिए मिल सकता है, ऐसी न्यूज आ रही है। और भाई ज्यादा कुछ मुझे सीरीज के बारे में नहीं बोलना है, आई होप आप लोगों में से कुछ बंदों ने हर फ्राइडे को इसका एक 1x1 एपिसोड जरूर देखा होगा। भाई लगातार मैं इस टाइप की वेब सीरीज के जो भी एपिसोड्स रहते हैं जो कि हर हफ्ते रिलीज होते हैं उनके मैं लगातार देखता हूँ ताकि भाई लोग यहाँ पे सीक्वेंस बना रहे, यानी कि मजा आता रहे। ऐसा नहीं कि भाई एक एपिसोड हो गया उसके बाद में तगड़ा वाला सीन दिखा दिया और भाई फिर एक हफ्ते का वेट करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता मैं, डायरेक्ट सारे देखता हूँ जिससे कि मजा आता है मुझे देखने में। और भाई ये सीरीज जो है आप लोगों को प्राइम वीडियो पे देखने के लिए मिलेगी, हिंदी लैंग्वेज में भी है, साथ में सबटाइटल्स भी दिए गए हैं तो आप इजीली वॉच कर सकते हो। और साथ में जो अगर हिंदी डब की बात करूं तो भाई ओके जी आपको ज्यादा पता नहीं लगता है। और भाई लोग ये सीरीज जो है फुल पैसा वसूल है, आपको पक्का ट्राई करनी चाहिए।